हेलो दोस्त, मैं राजीव रंजन सिंह, राजीव क्लासेस जीएस रिसर्च सेंटर पर आपका वेलकम करता हूँ। आज का जो टॉपिक है इसमें मैं बताऊंगा कि भारत में गूगल मैप अन्य देशों की तुलना में खराब क्यों। दोस्तों, गूगल अर्थ के बारे में आप सबने सुना ही होगा। ये वही गूगल अर्थ है जिसमें कभी ना कभी आपने अपने घर को ढूंढने की कोशिश जरूर की होगी। लेकिन दोस्तों, अगर आप इंडिया में हैं तो शायद ही आपको आपका घर मैप पर मिला होगा, क्योंकि आपने ये तो गौर किया होगा कि गूगल अर्थ में इंडिया आप बहुत ज्यादा डिटेलिंग नहीं होगी। अगर कहीं गलती से आपको आपका घर दिख गया होगा तो वह तस्वीर बहुत धुंधली होगी या सब कुछ ब्लर ब्लर सा दिख रहा होगा। इसकी वजह से हम कुछ भी साफ साफ समझ नहीं आता। लेकिन अगर हम सिडनी, पेरिस या अमेरिका के किसी शहर की बात करें तो वहाँ के मैप्स इतने ज्यादा क्लियर होते हैं, मानो आप एक ओपन वर्ल्ड गेम खेल रहे हो। दोस्तों, आखिर क्यों इंडिया के मैप्स गूगल अर्थ या गूगल मैप पर इतने ब्लर होते हैं, जानते हैं इस वीडियो को। देखिए, गूगल को इंडिया से कोई जाति दुश्मनी नहीं है, जिसके वजह से जानबूझकर इंडिया के हाई रिजोल्यूशन वाले मैप न दिखाकर ब्लर मैप दिखते हैं। मेनली इसके दो कारण है जिसकी वजह से गूगल इंडिया के मैप को ब्लर कर देते हैं। वो दो वजह आपको बताते हैं। उससे पहले जान लीजिए कि दरअसल गूगल के पास खुद का कोई सैटेलाइट नहीं है। वो यूएस की लैंडसैट 8 नाम की सैटेलाइट को यूज करके अपने मैप्स को अपडेट करता है, और मैप में जो भी चीजें अपडेट होती है उसे दुनिया या किसी भी कोने में बैठा कोई भी शख्स या कोई भी मुल्क आसानी से देख सकता है। यही वह पहली वजह है जिसके चलते इंडियन डिफेंस ऑफिशियल्स ने गूगल को राजी किया है वह इंडिया के मैप में सैटेलाइट व्यू को हटा दे और मैप को ब्लैक कर दे। दरअसल गूगल मैप में बहुत ज्यादा डिटेलिंग होती है, जिसके कारण बहुत सारा सेंसिटिव डाटा जैसे इंडिया के मिलिट्री बेसिस, डिफेंस सेंटर, हाई प्रोफाइल लोगों, घरों या दफ्तरों के मैप को कोई भी आसानी से एक्सेस कर सकता है। इससे हमारे देश की सुरक्षा का आसानी से सेंध लगाई जा सकती है, जैसे कि संसद अटैक या मुंबई हमलों के वक्त हुआ था। दोस्तों, बात करें, दोनों हमलों में यह बात सामने आई थी कि आतंकियों ने गूगल मैप की मदद से उस इमारत की एंट्री और एग्जिट पॉइंट की रेकी की थी जिन पर उन्हें हमला करना था, और गूगल अर्थ में इंडिया को मैप्स को ब्लैक करने से मैप बहुत ज्यादा बेड हो जाता है। इसलिए गूगल ने इंडिया के मैप को ब्लैक नहीं किया बल्कि उसे बहुत हद तक धुंधला कर दिया, यानी ब्लर कर दिया, ताकि इंडिया को किसी तरह का कोई सिक्योरिटी इशू फेस ना करना पड़े। दोस्तों, अगर आपको लगता है इंडिया अकेला ऐसा देश है जिसने गूगल मैप को ब्लर करने की बात की है तो आप बिल्कुल गलत सोच रहे हैं। ऐसी कई और देश है, खासतौर पर ऑस्ट्रेलिया और रशिया ने भी गूगल मैप्स को ब्लर करने की वकालत की थी। हम आपको दूसरी वजह भी बताते जिसके चलते इंडिया के मैप्स गूगल अर्थ या गूगल मैप्स मैप पर ब्लर नजर आते हैं। दोस्तों, गूगल अर्थ में हम ब्रिटेन, अमेरिका, फ्रांस जैसे डेवलप कंट्रीज के एकदम क्लियर मैप देख सकते हैं, जो सिर्फ सैटेलाइट इमेज से नहीं बनती। आप खुद सोच सकते हैं कि हजारों किलोमीटर दूर से कोई सैटेलाइट अर्थ की फोटो तो ले सकते हैं, लेकिन ज्यादा जूम करने से फोटो क्लियर नहीं रहती। जूम करने से फोटो की रिजोल्यूशन पर असर पड़ना लाजमी है, लिहाजा गूगल इस कमी को दूर करने के लिए एरियल फोटोग्राफी का सहारा लेता है। एरियल फोटोग्राफी का मतलब है वैसी तस्वीरें जो आसान से ली गई है, यानी पहले एरोप्लेन, हेलीकॉप्टर या ड्रोन कैमरों से तस्वीरें खींची जाती है, फिर उन तस्वीरों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और एल्गोरिदम की मदद से सैटेलाइट इमेजेज के साथ कंबाइन कर दिया जाता है, यानी जोड़ दिया जाता है। ऐसा करने के बाद जब हम मैप्स को बहुत ज्यादा जूम करते हैं तो ये सैटेलाइट की इमेज से रियल इमेज पर शिफ्ट हो जाता है। मतलब गूगल अर्थ बहुत ज्यादा जूम करने पर सैटेलाइट से ली गई इमेज नहीं दिखता बल्कि प्लेन, हेलीकॉप्टर या ड्रोन से ली गई तस्वीरें दिखाता। दोस्तों, इंडिया में हर जगह सैटेलाइट यू तो मौजूद है, लेकिन इसकी वजह यह है कि एरियल फोटोग्राफी बहुत कॉस्टली है। ऐसे भी इंडिया कोई छोटा देश नहीं है, लिहाजा एरियल इमेज के लिए यहाँ की हर गली, हर मोहल्ले, हर शहर में एयरक्राफ्ट या ड्रोन उड़ाना मुमकिन नहीं है। अब तक आप समझ गए होंगे कि इंडिया में एरियल ब्लू अवेलेबल नहीं है, जिसके कारण हमें इंडिया में सिर्फ सैटेलाइट व्यू देखने को मिलता है और मैप में कुछ भी ज्यादा साफ साफ नजर नहीं आता। गाइस, इंडिया में एरियल ब्लू मौजूद नहीं है। गूगल स्ट्रीट नाम की टेक्नोलॉजी जरूर आपको अवेलेबल है। इस टेक्नोलॉजी की मदद से आप किसी भी जगह की 360 डिग्री फोटोज को आसानी से देख सकते हैं।
भारत के ऐतिहासिक इमारतों और टूरिस्ट प्लेसों पर आपको गूगल स्ट्रीट व्यू आसानी से देखने को मिल सकता है। जैसे एरियल फोटोग्राफी में फोटोज को प्लेन या ड्रोन से कैप्चर किया जाता है, वैसे ही गूगल स्ट्रीट व्यू भी कार पर या रेगिस्तानों में ऊंटों पर, यहां तक कि इंसानों के कंधों पर 360 डिग्री कैमरे लगाए जाते हैं